प्रदेश में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण तहत काल 13 लोकसभा सीटा खातर गिरे जावला वोट निर्वाचन महकमा की सगली तैयारियां भी पूरी पौने 3 करोड़ सुबत्ती मतदाता करेला मतदान लोकसभा चुनाव रे वास्ते बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ना दीगी घर सपोर्ट देवारी सुविधा दूसरा चरण तहत 38,032 मतदाता करया घर सुमतदार अजमेर में मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर निर्वाचन अधिकारियों का निशुल्क चलाया जा रहा है कई कार्यक्रम मतदाताओं में जगाई जा रही है जा जैसलमेर जिला राजाजिया गांव रखने वायुसेना रो टोही विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हादसा रमाए नहीं मिली है कोई जन हानि की खबर अब प्रदेश में तेज गर्मी से जन जीवन में था असर चिकित्सा महकमो लोगों ने लू और गर्मी से बचाव खातर कर दियो है सावचेत शिक्षा विभाग स्कूला खातर जारी कर दिशा निर्देश खबर में आप घणो घणो स्वागत खबर विगतवार प्रदेश में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण तहत काल 13 लोकसभा सीटा खातर वोट गिरे जावला निर्वाचन महकमो मतदान की सगली तैयारियां पूरी कर लीनो है मतदान खातर 28,032 मतदान केंद्र बनाया गया है या मल 2,80,00,000 मतदाता अपना मताधिकार ने काम भले बला निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान वास्ते 1,72,032 कर्मचारी लगाया गया है वही राजस्थान पुलिस का करीब 85,000 अधिकारी और जवान तैनात कराया गया है प्रदेश में दूसरा चरण तहत काल वेबाड़ा लोकसभा चुनाव खातर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है सुरक्षा का सावल बंदोबस्त कराया गया है न्यारा न्यारा जिला में दूजा राज्य से लाख की सीमा मात है चौकियां बनाई गई है दूजा राज्य से आवाली गाड़ियां की तलाशी ली जा रही है कोटा से मां का खबर नवीसरी यरपट कोटा से 40 किलोमीटर दूर हो और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां चल रही है चेकिंग दूसरे चरण का मतदान की तारीख है किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं आप और कब तक ये चेकिंग हो रही है यह अभी 26 तारीख तक है चेक पोस्ट इलेक्शन के दिन तक और आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है उसमें कैश राशि 50,000 ज्यादा जिसके पास है उसको जब्त करके आगे कार्रवाई की जा रही है कानूनी कार्रवाई की जा रही है ये बताइए अब तक ऐसा कुछ आया है क्या किसी के पास मिला आपको हाँ हमने यहाँ से 6,45,000 रुपए जब्त किए 6,45,000 टोटल 4 कार्रवाई की हमने यहाँ से एक तो 3 लाख की थी 3 लाख रुपए कैश एक के पास 2 लाख रुपए एक 1 लाख की और एक 90,500 की और एक 55,000 की अच्छा आपकी चेकिंग कब तक होती है ये तो 24 घंटे चलती है शिफ्टिंग शिफ्ट में चलती है 3 शिफ्ट बना रखी है सिविल अधिकारी 3 शिफ्टों में है पुलिस अधिकारी 2 शिफ्टों में है तो 24 घंटे चेकिंग होती है और आप क्या कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को कितने टाइम की रिकॉर्डिंग होती है और कहाँ पर क्या करते हैं इसका ये डेली चढ़ती हूँ वहाँ पे जाके इलेक्टेड ऑफिस में एडीएम साहब के वहाँ डेली डाटा अपलोड होता है इसका तो जैसे कि आपने सुना ये पुलिस राजस्थान पुलिस के जवान दिन रात चेक कर रहे हैं ताकि चुनाव जो है पूरी तरह से फेयर हो इलेक्शंस और मतदान की दूसरी और आखिरी जो चरण है वो है 26 तारीख को राजस्थान में जिसमें 13 सीटों का फैसला होगा कैमरामैन रमाकांत के साथ कोटा हाईवे से मैं विशाल बैरिस्टू डीडी न्यूज कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव रे वास्ते काल पेपड़ा मतदान की सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है इन खातर बूंदी जिला रमाए 903 मतदान केंद्र बनाया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा बताया कि बूंदी जिला रमाए 2 लोकसभा क्षेत्र है आज आखिरी प्रशिक्षण पछे मतदान दला ने रवाना करो जा रो है वह बताया कि जिला रमाए कुल 3 विधानसभा क्षेत्र में 8,69,000 मतदाता है वह सगला मतदाताओं से बढ़ चढ़ रो मताधिकार करबारी अपील कराया है पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद बताया कि जिला रमाए बत्ती गड़बड़ी आला क्षेत्र में सुरक्षा का सावल बंदोबस्त कराया गया है
टोटल 906 पोलिंग पार्टीज है, जिसमें से 326 बूंदी की है, शेष इंडोली और केसराय पाटन की है। तो चूंकि केसराय पाटन और इंडोली की दूरी ज्यादा है, तो इसलिए उन्हें प्रारंभिक फर्स्ट फेज में उनको किया गया और सेकंड फेज में बूंदी को किया गया। लास्ट यही है कि आप सभी देख रहे हैं कि तैयारियां किस तरह से प्रशासन ने की है, इतना मतदान दल और एफर्ट लगे हैं। तो हम जनता से ही उम्मीद करेंगे, मतदाताओं से, कि वो आके इस दिन अपना मतदान 26 अप्रैल को आवश्यक रूप से अपना मतदान दें। देखिए, आप आज देख रहे हैं यहाँ पे आज मतदान दल रवाना हो रहा है, उनके साथ हमारा जो जाब्ता बूथों पर लगाया गया है, क्रिटिकल पे जो जाब्ता हमारा डिप्लॉय किया गया है, वो यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ में रवाना हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो CAPF का जाब्ता क्रिटिकल हमारे मतदान केंद्र है उन पे उनको यहाँ से आज हम रवानगी देंगे। मोबाइल पार्टियाँ वो निरंतर इलाके में गश्त पे हैं, और जो भी हमारा रिजर्व जाब्ता है वो भी हमने जगह जगह अलग जगह तैनात किया है। 26 तारीख को मतदान होना है, उसके लिए बूंदी पुलिस द्वारा व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसमें हमारे पास RSC, कमिश्नरेट जयपुर, CIDCP, टेली कम्युनिकेशन, बॉर्डर होम गार्ड, CAPF, SAP हरियाणा की काफ़ी फोर्स हमारे द्वारा इस पर जो चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से डिप्लॉय की गई है, और व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में 85 बरस सु बत्ती उम्र वाला बड़ा बूढ़ा मतदाता और 40% सु बत्ती दिव्यांग मतदाता भारत निर्वाचन आयोग री पहल माले पहली आप आपरा घर सु उत्साहपूर्वक मतदान करया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि सगला 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बारतानी 73,799 मतदाता मतदान कर चुका है। या में 56,991 बुजुर्ग और 17,108 दिव्यांग मतदाता शामिल है। वे बताया कि दूसरा चरण वास्ते 98% सु 32 घर सु वोट दिया गया, अबार ताणी 38,274 मतदाता घर सु वोट दे चुका है। अजमेर में मतदान प्रतिशत बढ़ावा खाता जिला निर्वाचन अधिकारी का निशु कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ा बूढ़ा और दिव्यांग मतदाताओं वास्ते घर सु ही मतदान की सुविधा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित बताया कि मतदाताओं ने सोशल मीडिया के जरिए मतदान खातर जागरूक करी जा रही है। वह मतदाताओं से बत्तियों बत्ती मतदान करवारी अपील करया है। मैं अजमेर हूँ, लोकतंत्र का सजग साक्षी। मैंने हर दौर देखा है, लोकतंत्र के बीच को वट वृक्ष बनते देखा है, उल्लास और उमंग से वोट करते हुए अपने लोगों को देखा है, कई कीर्तिमानों को बनते हुए देखा है। हर चुनाव में मैंने सक्रिय सहयोग किया, जिस तरह वायु, प्रकाश, जल, पक्षी और ऋतुएं कभी नहीं रुकती, उसी तरह मैं भी कभी नहीं रुका, कभी नहीं थका। ढाणी से लेकर गांव तक, चौपालों से लेकर चौराहों तक, एक घर से लेकर पूरे जिले तक मैंने हर चुनाव को जिया है। मैं निष्पक्ष और निर्भीक होकर सदैव मतदान करता रहा, लोकतंत्र के प्रत्येक यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा। अब फिर से मत महोत्सव 26 अप्रैल को मैं फिर से तैयार हूँ, अपने युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, नारी शक्ति को लेकर मैं फिर से तैयार हूँ, सभी को लेकर मैं फिर से मतदान करूंगा, मैं फिर रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं फिर भागीदारी भी निभाऊंगा। लोकतंत्र को जीवंत और मजबूत बनाने में आप सब भी आइए। जिला प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पोलिंग बूथ पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्थाएं की हैं। इसके अंतर्गत छाया पानी की व्यवस्था, वॉशरूम्स की व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित की गई है। जैसे कि जो हमारे वोटर्स उस दिन वोटिंग के लिए आते हैं उनको किसी भी तरह की असहूलियत नहीं हो, वो बहुत सुविधाजनक तरीके से अपना वोट कास्ट कर पाएं, और लोगों को भी मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर आकर के अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। इसलिए हमने ज़्यादातर एक्टिविटीज अर्बन एरिया सेंट्रिक रखी हैं, हमने सोशल मीडिया का काफ़ी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया है। वोट देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, अब सबको वोट देना चाहिए। देश में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े यज्ञ में आहुति दीजिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, वोट दीजिए और बताइए कि देश के लिए सदैव खड़े रहेंगे हम। सरहदी जिला जैसलमेर में जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर डाजिया गांव रे कने आज वायुसेना रो टोही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गयो।
इन हादसा में किणी भांतरी जनहानि की खबर नहीं है। घटना की जानकारी मिलता ही जिला प्रशासन और वायुसेना अधिकारी मौका माले पहुंच गया। इन दौरान फायर ब्रिगेड की सहायता से विमान मलबा में लागी आग माले काबू कर लियो गयो है। लुअर गर्मी से बचाव खातर चिकित्सक बुजायब जरूरी काम वेबा माथे घर से बारे जावे। घर से बारे जाओ ते बगैर ठंडा पीबारो पानी या पेय पदार्थ साथ में लेर जावे, माथा ने ढकर जावे। सवाई मानसिक सपाखाना रा मेडिसिन विभाग का वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना गर्मी से खासकर बड़ा बूढ़ा ने सावचेत बरतवारी अपील करया है। आप देखेंगे कि ऐसे में अस्पताल में अब मेडिसिन में ओपीडी जो पूर्व में ओपीडी चल रही थी मौसमी बीमारियों में जैसे सर्दी खांसी जुकाम के मरीज़ ज़्यादा आ रहे थे, वायरल डिजीज़ के मरीज़ ज़्यादा आ रहे थे, उसकी जगह अब उल्टी दस्त के मरीज़ की संख्या बढ़ी है। जो अभी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन चल रहा है इस समय कभी अब्रप्टली पूरे दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस समय सिर्फ आप घर से निकलते वक्त खाना खा के निकलें, खूब पानी पी के निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर हमेशा साथ रखें। किसी भी काम लंबे काम यात्रा पर चल रहे हैं तो आप ठंडी छाया वगैरह से कहीं से भी बाहर निकलते वक्त, गर्मी में निकलते वक्त अपने सर पर कपड़ा रखें। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट एक्सपोजर से उनको तुरंत प्रभाव पड़ता है और ऐसे में जो है गफलत में आ जाना या बेहोशी की अवस्था में आ जाना या कोमा में चले जाना या चेत होकर गिर जाना ये बहुत कॉमनली मिलता है क्योंकि अडेप्टिव मैकेनिज़म्स जो हैं ओल्ड एज में वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारी सलाह ये है कि धूप में ज़्यादा देर एक्सपोज ना हो, खड़े ना रहें, भूखे पेट ना रहें, पानी अच्छा पिए, ऑल काइंड ऑफ लिक्विड्स चाहे उसमें पानी, शिकंजी, छाछ, जूस, जो भी इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करें। शिक्षा विभाग आवाड़ा दिना में भीषण गर्मी रा प्रकोप ने देखता थका स्कूल खातर गाइडलाइन जारी करियो है। शिक्षा विभाग स्कूल से जुड़ी गतिविधियां ने इंडोर राखबारी सलाह देनी है, साथ ही टावरा ने आपरे साथ पानी की बोतल राखबारी सलाह भी दी गई है। वही तबियत बिगड़ता ही तुरंत चिकित्सक से सलाह लेवा ने कहो गयो है। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी से न खाली बल जीव मिनक बल्कि जीव जिनावर भी बेहाल बैरिया है। पशुआ ने गर्मी से बचावा खातर पशुपालन महकमा कानी से पशुपालका ने सलाह दी जा रही है। नागौर जिला में भी तेज गर्मी से पशुआ ने बचावा खातर पशुपालक कई भांतरी जुगत कर रहा है। पशुपालन महकमा रा उप निदेशक डॉक्टर गोविंद राम चौधरी बताया कि गर्मी रा मौसम में जानवर ने छाया में खुली और हवादार जगह माथे राखनो चाहिए। वठई वाने दिन में कई बार पानी पिलावारे साथे हरो चारो खिलानो चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की जो कमी होती है, तो पानी की पूर्ति के लिए कम से कम दिन में 4 बार पशु को पानी पिलाना है, 2 बार से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज पशु को छाया में रखना है, चाहे वो पेड़ की छाया हो, चाहे वो उन्होंने जो टिन शेड वगैरह बाड़े में छान वगैरह जो भी बना रखे उसकी छाया हो, पर छाया में रखना है। और अगर टिन शेड लगा रखे हैं तो टिन शेड के नीचे कोई ना कोई ग्रीन जो नेट आती है, ग्रीन नेट या कोई पानी के पूड़े या अपने कोई जो देसी भी उनके पास जो भी वहाँ सुविधा है वो सुविधा उनको करनी है। और पानी पूरा पिलाना है, पानी की कमी नहीं रखें। उसमें चारा चेंज करते हुए तो उनको ध्यान रखना है कि वो एक साथ चारा चेंज नहीं करें, हमेशा आज जैसे 10% पुराना वाला चारा कम कर दें, 10% नया चारा मिला दें, दूसरे दिन 20% पुराना चारा कम कर दें और नया चारा मिला दें, ऐसे करते करते उसको 5 से 7 दिन में पूरा चारा चेंज करना, एकदम ऑल ऑफ सडन पूरा चारा चेंज नहीं करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बहुत योगदान है, देश का किसान कोई ना कोई पशु पालता है, इसके अलावा करोड़ों लोगों की आजीविका पशुधन पर ही आधारित है। इन दिनों बढ़ रही गर्मी के कारण पालतू पशुओं में बीमारी की चपेट में आने का खतरा बढ़ रहा है। गर्मी में दूध उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है, गर्मी के कारण गाय भैंस में दूध में भी कमी आ रही है।
जयपुर में जागो जनमत जगमग कार्यक्रम के तहत हेरिटेज नगर निगम रास्वस्था पहरी शहरी जनता कॉलोनी निजी विद्यालय रमाए पडनिया सु बातचीत कर मन जागरूक कर इन दौरान एक स्वयंसेवी संस्था ना सहयोग सु नुक्कड़ नाटक रे जरिए साफ सफाई और कचरा पात्र धरवारो संदेश भी दियो गयो। साथ ही मोम जमारी थैलिया ने काम में नी लेवा खातर जाग जगाई गई। प्रदेश में तेज गर्मी के कारण जनजीवन माथा असर वैबा लाग्यो है। लोग गर्मी से बचाव खातर कई भांति जुगत कर रहा है। लाडला 24 घंटा के दौरान सबू बत्ती 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज करो गयो। इन अलावा फलोदी और जालोर में 40-40 जबकि करौली धौलपुर जोधपुर और जैसलमेर में पारो 39 डिग्री माले पूग गयो। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण के तहत कल 13 लोकसभा सीटा खातर गिरा जाने वाला वोट निर्वाचन महकमा की सगली तैयारियां भी पूरी। 3.25 करोड़ से 32 मतदाता करेला मतदान। लोकसभा चुनाव के वास्ते बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने दी की घर से वोट देने की सुविधा। दूसरा चरण के तहत 38,000 से 32 मतदाता करेगा घर से मतदान। अजमेर में मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर निर्वाचन अधिकारियों का निशु चलाया जा रहा है कई कार्यक्रम। मतदाताओं में जगाई जा रही है जाग। जैसलमेर जिला रा जाजिया गांव रखने वायुसेना और टोही विमान व्यो दुर्घटनाग्रस्त हादसा रमाए नी मिली है कोई जन हानि री खबर। और प्रदेश में तेज गर्मी से जनजीवन माथे पड़ो असर। चिकित्सा महकमा लोगों ने लू और गर्मी से बचाव खातर करो सावचेत। शिक्षा विभाग स्कूला खातर जारी कर दिशा निर्देश। इंडिया साथ ही बुलेटिन 8 पूरे से नमस्कार।